शासन के द्वारा किसानों एवं राशन की आपूर्ति हो सके इस हेतु सौदा पत्रक के माध्यम से एवं क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत किसान अपना सैंपल लाकर व्यापारी को बताकर आपसी सहमति से सौदा तय कर पाएंगे और उसके पश्चात व्यापारी अपने साधन द्वारा किसान के गोदाम या मकान से ही सीधा माल परिवहन कर सकेंगे। किसान को मंडी में माल लाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार क्रय केंद्र पर भी किसान जो है अपना सैंपल ले जाकर उसको पास करवाने के पश्चात अपने साधन से भी क्रय केंद्र पर लाकर माल तोल सकेगा। ये पूरा कार्य मंडी के नियंत्रण में रहेगा और वर्तमान में देवास मंडी के अंदर 2 क्रय केंद्र स्थापित हैं जो चालू है एवं 5 और शीघ्र होने की संभावना है। एक धर्मेश फूड है मक्सी रोड पर और एक ITC सागर चौपाल, ये सुविधा दी गई है। सर, ये ATM तो आपने खोले हैं, कुछ जगह फंस जाने की बोले क्षेत्रियाँ साइलो वगैरह खुल रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँ। मुझे सूचना वो समाचार दूरदर्शन द्वारा मालूम पड़ी थी, मैंने यहाँ खोज की, यहाँ चलू थे 16 तारीख के दिन मैंने यहाँ गेहूँ दिए थे, मैंने 2000 रुपये कुंटल लिए मैंने। उसके बाद मैं आज सैंपल दिखाया तो ये भी 2000 रुपये कुंटल ही लिया और 16 तारीख के दिन ही पेमेंट डाल दिया मैंने। कर दिया मेरे बाबूजी के पापा के अकाउंट में, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मुझे टोल भी सही आया मेरा और कोई दिक्कत ही नहीं है। डिसिप्लिन बढ़िया, टोटल मास्क लगा के आओ, बाहर दूर दूर खड़े रहो, अंदर जाने के लिए चेक्टर भी मतलब 10-15 मिनट में ले रहे हैं, कहीं एक खाली होकर चला जाए उसके बाद दूसरा ले रहे हैं। मंडी वालों का दिक्कत नहीं है, मुझे काम से संतुष्ट हो आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, पैसा मेरा बराबर है, टोल से आया जो उन्होंने चालू कर दिया, क्योंकि घर में पड़े पड़े ही हुई धनुरेन चंचल बढ़िया सड़ जाते हैं, तो गेहूँ इससे गेहूँ काल में रोज पानी आ रहा है। अच्छा, और बाहर पड़े थे गेहूँ तो मैं अच्छा उस दिन नहीं लाता तो दिक्कत आ जाती, मेरे कल का पानी जो गिरा परसों का वो गेहूँ पे गिरता है। भैया माल का हमें ये गांव वाले बेच रहे थे तो थोड़ी जानकारी हुई, तो हमने बोला हम भी पैसे की जरूरत, इसलिए अपना माल बेचते हैं। यहाँ पे माल का रेट अच्छा मिल गया 1975 ये करीब करीब 100 कुंटल के आसपास। ATS हो गया आपको पेमेंट मिल गया? ATS हो जाएगा, उनने बोला अभी तो माल कल गुरुवार को लाना है। कितना माल भेज दिया? 100 कुंटल के आसपास, क्योंकि माल भी अच्छे दामों में मिल रहा है और हमारे